नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक श्रेष्ठ समाचार से। आज करवा चौथ है और करवा चौथ का ये पर्व जो है काफ़ी धूमधाम से हर वर्ष जो हमारी माताएं बहनें हैं वो मनाती हैं। और इस बार का करवा चौथ जो है वो थोड़ा सा हो सकता है फीका हो, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद से लोगों को बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ है, बिजनेस ठप रहे, कारोबार बंद रहे। ऐसे में जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो किस तरह से इस करवा चौथ को सेलिब्रेट कर रही हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सभी माता बहनों से, वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या अपने पतियों को कहीं ज़्यादा तो नहीं खर्चा करवा रही या कम खर्चा करवा रही, किस तरह की ये करवा चौथ है ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, औरतों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए न्यूली मैरिड कपल है और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये अपना करवा चौथ जो है वो किस तरह से बना रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? अंकित गुप्ता। और आपका नाम? भाविका गुप्ता। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई है? एक वीक पहले। तो एक्साइटमेंट है इस करवा चौथ की? बहुत ज़्यादा। खर्चा तो नहीं करवा रहे? नहीं, अभी तो नया ही फील हो रहा है। खर्चा तो होता ही है स्टार्टिंग में। खर्चा तो जरूरी है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं करवा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोल नहीं रहे शादी में ज़्यादा कवर अप ले लिया है ना, इसीलिए अभी बोलेंगे घर जाके मार खाएंगे ना। तो ये ऐसा कहते हैं खर्चा कम करो, इस समय कोविड की वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन से। हाँ बिल्कुल, बहुत समझदार है वाइफ मेरी। जी, सुपारी देके लाई थी घर से कि मेरा इंसल्ट नहीं करना है बाहर जाके, तभी इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, नहीं तो अकेले में जाके पूछो ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा, कि मतलब आप करवा चौथ बना रहे हो, इससे पहले कभी आपने करवा चौथ रखा था इनके लिए? नहीं, मम्मा के साथ ऐसे फास्टिंग किया। उस करवा चौथ और इस करवा चौथ में कितना अंदर है? इस करवा चौथ ये ज़्यादा स्पेशल है, इसमें सब कुछ न्यू कपड़े, न्यू चीज़ें, हर चीज़ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। फर्स्ट फेस्टिवल है हमारे शादी के बाद, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट बहुत, मतलब घर वाले भी कुछ नया, तो ज़्यादा कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समय न्यूली मैरिड हैं सारे कपल, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि फर्स्ट फेस्टिवल है, अच्छे से मनाओ, अच्छे से सेलिब्रेट करो, मस्ती करो, फन करो, मेमोरीज बनाओ, ये टाइम तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। ज़्यादा खर्चा भी करवाओ? हाँ, बहुत ज़्यादा खर्चा करो, अपने हस्बैंड का अभी तो कर देंगे, बाद का पता नहीं, बाद में कैसा रहेगा कैसा कोई गारंटी नहीं है। अभी नई नई शादी है तो सब कुछ, हाँ ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, अभी तो ऐसा चल रहा है। कर लेते हो अगर पैसे ना हो तो भी कर लेते हैं पति खर्चा? तो करना ही पड़ेगा, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्या नाम है आपका? सोनिया शर्मा। अच्छा सोनिया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार की जो आप करवा चौथ मना रहे हैं वो कैसे मना रहे हैं, कोई दिक्कतें मुसीबतें, क्योंकि कोविड-19 के बाद काफ़ी दिक्कतें आई हैं, तो इसका असर आपकी करवा चौथ के ऊपर भी पड़ रहा है कि नहीं? पड़ तो रहा है, देखो अब मेहंदी वहंदी लगाते, अब सोशल डिस्टेंसिंग तो है, मास्क भी पहने हैं सभी ने, लेकिन यह है कि दिक्कत बहुत आ रही है, नुकसान भी बहुत हुआ है लोगों का, जैसे लॉकडाउन में हुआ है, अब देखो इतने लोग भी आ रहे हैं, अब डिस्टेंसिंग तो है लेकिन अब क्या करें, आना तो है, ज़रूरी तो है ना, फास्ट भी रखना है। काफ़ी खर्चीली होती है हर बार करवा चौथ, पतियों के ऊपर काफ़ी भारी पड़ती है, इस बार भी भारी पड़ रही है कि नहीं? भारी तो पड़ रही है, बट ये है कि इस बार थोड़ा कम ही है, पहले से कम है इस बार। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी औरतों को, नारियों? मैं औरतों को तो यही बोल लूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, जैसे हम शाम को करेंगे पूजा, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, मास्क पहन के रखो, तो अपनी सेफ्टी रखो और बच्चों को भी सेफ्टी रखो, घर वालों की भी सेफ्टी रखो, पतियों की सेवा करो। हाँ वो तो नेचुरली है, पतियों की तो सेवा करो ही करो। अच्छा मैम, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कमला शर्मा।
सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज करवा चौथ है, तो इस करवा चौथ के पर्व को आप ज़रा एक बार हमारी माता बहनों को ज़रूर बताएं कि क्यों मनाते हैं। जे जो सर आज का जो करवा चौथ का त्यौहार है, जे के हिंदू परंपरा में जो सुहागिन महिलाएं होती है इसको बढ़ चढ़ कर अपने पति की लंबी आयु के लिए और देश में जो इस वक्त इतना कोरोना काल आ रहा है उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम अपने भगवान जी को गणेश चतुर्थी का भी माना जाता है इसमें ये व्रत, तो ये व्रत इतना कि महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती है अपने, तो इसमें 16 श्रृंगार में से मेहंदी भी एक इतनी माननीय हुआ कि शगुन के तौर पे। और मेहंदी भी कितने किस्म की होती है, जैसे जे ग्रीन मेहंदी होती है, रिबन वाली मेहंदी होती है और दूसरी लौंग वाली मेहंदी होती है, तो लोग तरह तरह की, किसी में ग्रीन मेहंदी नहीं लगाई जाती तो वो लौंग वाली मेहंदी लगाते हैं। तो हम आज देखो आगे त्यौहार होता था तो इस रोड पे निकला नहीं जाता था, लेकिन इस बार जो कोरोना काल में है लोग घरों से भी बहुत कम निकल रहे हैं, साथ में जो निकल रहे हैं जैसे हम लोग ही आए हैं टाइम लेके थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के मास्क वगैरह पूरा डाल के, तो त्यौहार भी बहुत ज़रूरी है कि जे तो साल भर के लिए जो हमारे हिंदू समाज की महिलाएँ हैं तो इसको एक साल के बाद जो त्यौहार आना होता है, लेकिन इस बार त्यौहार की कोई इतनी रौनक नहीं है, एक्साइटमेंट कम हुई है। हाँ, क्योंकि लोगों की जेब पे भी बहुत खर्चा ही खर्चा है, तो खर्चा भी कम है क्योंकि काम काज सभी के बंद है इस वक्त, तो बहुत हालात जो है कि त्यौहार मनाने की स्थिति में नहीं है। आप अपने पतियों को इस बार दुखी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई भी है, जे थोड़े कि कभी कभी घर की स्थिति भी देखनी चाहिए, हमारे देश में जो इतना बड़ा संकट था इसको भी देखना है सब कुछ। अगर इस एक साल दो साल नहीं मनाएंगे वो आगे फिर अच्छा मनाएंगे। नहीं, तो आपको लगता है औरतें ये सब देखती हैं? वो तो ये देखती हैं कि दूसरे वाली महिला जो है वो ज़्यादा सुंदर लग रही है, मुझसे तो मुझे कैसे लगना है, वो तो पति को भारी पड़ेगा। नहीं, हम तो देख रहे हैं इस बार, नहीं तो हम खुद इतनी शॉपिंग करते हैं इतनी नहीं, लेकिन ऐसी जो हरकतें करती हैं महिलाएं उनको क्या कहोगे? नहीं, वो तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर चीज़ एक इंसान ने अपनी जेब दूसरे को देख के तो नहीं करना चाहिए कि मैं उसको देखा तो उसका वो उसका होगा अच्छा बिजनेस अच्छी सर्विस तो उसके हिसाब से, तो जो गरीब होगा मीडियम तबका होगा उसने अपने हिसाब से मनाना है। तो मैं सभी महिलाओं को ये दूंगी कि ये तो हमारा एक अपना सोच भी है और इसको हमने अपने जिन्होंने पूरी उम्र पति नहीं कमाना तो हमने घर चलाना है उनकी वजह से, तो इस वक्त हम पति को तो तंग नहीं कर सकते हैं ना। मेरा तो ये संदेश है सभी महिलाओं को कि हमने एक भगवान के नाम पे, एक अपने पति के, एक गणेश चतुर्थी भी माना जाता है, तो हम यही पूजा करेंगे कि ये ऐसा दोबारा ना हो। कई महिलाएं हमने सुना है कि वो ये कह रही होती हैं कि हमारे जो पति हैं वो हमारे लिए भगवान हैं, वो अपने पति की ही पूजा करती हैं, तो ऐसा आज के इस युग में हो रहा? नहीं, जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, मैं किसी को क्यों, मैं तो अपने आप को जानती हूँ, मैं किसी को क्यों बोलूँ, वो तो हम कर रहे हैं जिनके लिए कर रहे हैं, वही हमारा परमात्मा हमारा भविष्य वही है ना, उनके सिर पे ही हम घर चलाते हैं, उनके सिर पे ही हम ठाट से घूम रहे हैं जहाँ कर रहे हैं सारा, तो हम पति को ही महात्मा देते हैं ज़्यादा महत्व, बाकी किसी को नहीं देंगे। इस बार थोड़ा सा है मतलब मुसीबत है कोरोना की, वो तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत, इस गली से निकला नहीं जाता था, इन सड़कों इनका बेचारों का भी काम धंधा काम है, देखो इन्होंने भी बड़े रेट जो रीजनेबल किए हुए हैं कि देखो बाहर से ही कितने राजस्थानी कितने लोग आते हैं, लेकिन खर्चा तो है, ट्रेनें भी बंद है, सब कुछ बंद है, लोगों का बिजनेस तो ठप है। आज देखो किचन रोटी खाना बहुत मुश्किल होगी तो त्यौहार कहाँ से मनाएंगे? आजकल जो देखो प्याज आलू हमारे वो कहाँ पे चलेंगे, तो हम बाकी क्या बोलेंगे कि और तो चीज़ों का छोड़ो ही छोड़ो कि कितनी महंगाई है, अगर सूट चूड़ी वगैरह लो कॉस्मेटिक का जो भी हम लेते थे तो इस बार तो बहुत कम, बहुत ही कम, मैं बोलती हूँ कि बहुत, और किसी को क्या, हम खुद ऐसे हैं इस वक्त तो ज़्यादा नहीं, तो यही भगवान के यही दुआ करेंगे देश पे जो संकट है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, सभी में रौनक आए, हमारे बाज़ारों में भी रौनक आए, हमारे जो युवाएँ हैं उनको भी रोज़गार मिले, हम पति में शक्ति आए। हाँ वो तो है ही है, शक्ति तो है ही है, ऐसी बात नहीं है। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। करवा चौथ का ये पर्व कई लोगों के लिए इस बार भी खुशियों भरा है, उसका कारण विशेष कारण ये है कि न्यूली जो कपल हैं जिनकी शादी अभी अभी हुई है वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन कई लोगों के जेब पे ये करवा चौथ भारी पड़ रहा है, उसका कारण ये भी है कि बिजनेस जो है कोरोना वायरस की वजह से बिजनेस ठप हो गए, कारोबार बंद हो गए, और उसके बाद ये करवा चौथ थोड़ा फीका है, लेकिन फिर भी
इस करवा चौथ को काफ़ी एक्साइटेड तरीके से मनाया जा रहा है और हमारी जो औरतें हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रख रही हैं कि कहीं उनके पतियों पर ये भारी ना पड़ जाए, कहीं हम औरतें जो हैं वो कहीं उनका खर्च ज़्यादा ना करवाएं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सभी के लिए आवश्यक है। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, औरतें हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए अति आवश्यक है कि वो ये ध्यान रखें कि उनके पतियों पर या उनके घर पर ये करवा चौथ भारी ना हो पड़े। क्योंकि किसी को दिखावे के चक्कर में ज़्यादातर होता है कि महिलाएं किसी को दिखाना चाहती हैं कि वो कितनी उनके पति उनके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये सब के चक्कर में कई बार दिखावे के चक्कर में जो होता है वो भारी पड़ जाता है पतियों पर, घर पर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपको आपका ये जो करवा चौथ का पर्व है वो काफ़ी अच्छा हो और आपकी जो भी मुरादें हैं वो ईश्वर ज़रूर पूरा करें। बाकी आप देखते रहें दैनिक श्रेष्ठ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।